तो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा जाता है, इसे हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो इस वाले सोल्यूशन में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर अपने पास यहाँ पे रेडियस रेडियस ऑफ एल्युमिनियम यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम को मैं AL से डिनोट कर देता हूँ, तो एल्युमिनियम की रेडियस यहाँ पे ऑलरेडी गिवेन है और वो है 3.6 फर्मी, ठीक ना। तो प्लीज वेट, यहाँ पे एल्युमिनियम की रेडियस 3.6 यहाँ से वो फर्मी अपना दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहता है कॉपर का रेडियस निकालो, तो रेडियस का जो फार्मूला था आर इजक्वल टू आर नॉट ए मास नंबर की पावर 1/3, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए की पावर 1/3। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कॉपर और रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू यहाँ से मास नंबर ऑफ कॉपर और मास नंबर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है ना, AL का यहाँ की पावर 1/3, ये वाला फार्मूला लगा दे। तो कॉपर का यहाँ कितना है, कॉपर का देखो यहाँ पे सॉरी, कॉपर का है 64 और यहाँ से एल्युमिनियम का है 27 की पावर 1/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 की पावर क्यूब, यहाँ से ये क्यूब और ये पावर 1/3, तो 1/3 कट गया, मतलब ये आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कॉपर आ जाएगा 4/3 और मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, और यहाँ से 4/3 और रेडियस ऑफ एल्युमिनियम दे रखा है 3.6, तो 12.5, 12 36 और 12 48, 4.8 फर्मी आ जाएगा यहाँ से। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, मतलब अपना सी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू।